हर पुरुष को दूसरे की बीवी क्यों अच्छी लगती है? क्या कारण है कि हर आदमी को अपनी पत्नी से ज्यादा दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है? ऐसा किसी एक के साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। वो जो कहते हैं कि तुम मेरी जान हो, जहान हो, कहाँ चला गया, आज दूसरे की बीवी प्यारी लगने लगी है। कोई ना कोई कारण होगा। जिस पुरुष को दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है, उस पत्नी का पति भी उसकी पत्नी को देखकर बोलता है, वाह क्या औरत है। एक मेरे घर में जो सुबह से शाम तक झगड़ा, कलह, परेशानियों और सामने वाले की पत्नी कितने अच्छे से बात करती है। कहने का मतलब, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, जबकि आपकी थाली में भी उतना ही घी है, क्योंकि सामने वाले को आपकी थाली का घी भी उसी तरह अच्छा लगता है जैसे आपको उसकी थाली में घी दिखता है। कोई ना कोई कारण तो रहता है। इतनी बड़ी आबादी है कि हर दूसरी महिला को देखकर लगता है कि वाह क्या बात है, पर वही खूबी अपनी औरत में नज़र नहीं आती है। यह कहानी किसी एक में नज़र नहीं आती, दुनिया में ज़्यादातर पुरुषों की यह कहानी है, और पुरुषों की ही नहीं महिलाओं की भी यही कहानी है। उन्हें भी दूसरों के पति किसी न किसी मामले में पसंद आते। अगर शादी नहीं हुई है और प्रेमिका भी है तो 5-6 महीने बाद दूसरों की प्रेमिका पसंद आने लगती है। पत्नियों को भी अपने पति बुद्धू नज़र आते, स्मार्ट नहीं दिखते, और दूसरे के पति हीरो दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। आइए इस विषय पर बात करते हैं और बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो देख के कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझसे लाइव भी मिल सकते हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फेसबुक पेज पर आप मुझसे लाइव मिल सकते हैं, और वहाँ पर आप लाइव कमेंट पूछ के तुरंत जवाब पा सकते हैं। तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता है, मैं रिलेशनशिप पर वीडियो बनाती रहती हूँ। इसी कड़ी में आज का वीडियो है कि क्यों हर पुरुष को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी दूसरे की पत्नी या पति को देखते हैं तो उसकी हर आदत अच्छी लगती है, लेकिन हमें अपने पति या पत्नी की आदत पसंद नहीं होती। रोज़ झिकझिक, लड़ाई झगड़ा, तंगी, परेशानी, ऐसा इसलिए होता है कि हम दूसरे को दूर से देखते हैं। वो एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब आप उस व्यक्ति के करीब जाएंगे, साथ रहेंगे, तो सेम ऐसा ही लगेगा जैसा अपने पति या पत्नी के साथ लगता है। वो सिर्फ दूर से अच्छा लगता है। ऐसा पत्नी के साथ भी होता है। इंसान की आदत है, जो चीज़ उसे नहीं मिलती उसे पाने के लिए आतुर रहता है, लेकिन जब वही चीज़ उसे मिल जाती है तो धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंट कम हो जाता है। सोच के देखिए, क्या ऐसा नहीं होता है? जब आप किसी लड़की को पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह क्या लड़की है, काश मेरी हो जाए। और वाई चांस वो लड़की अगर आपको प्यार करने लगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है उसी लड़की से जो आपको बहुत प्यारी लगती थी, तो कुछ सालों बाद फिर आपको अपनी पत्नी के अलावा सारी औरतें अच्छी लगने लगती हैं। उसी तरह जैसा कि आपने अपनी पत्नी को पहली बार देखा, लेकिन जब आप उस औरत के पति से बात करें और वह आपको अपनी कहानी बताने लगे, उसके घर की प्रॉब्लम, परेशानी, झिक झिक झगड़े, तो लगेगा इससे बेहतर तो मेरी ज़िंदगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मनुष्य की फितरत है। उसके पास जो चीज़ नहीं होती, जिस चीज़ की कमी होती है, उसे पाने के लिए ललायत रहते हैं, और जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं करते। यह बात और अच्छे से वही लोग बता सकते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे इंसान का जीवन बहुत कठिन होता है, इसे समझना इतना आसान नहीं होता है। मनुष्य के पास जो चीज़ है उसकी बिल्कुल कदर नहीं करता। अगर यह सिर्फ पड़ोसी की औरत को देखकर ही हो तो चलो मान भी ले कि यह प्यार है, लेकिन अगर हर किसी की पत्नी को देखकर होने लगे तो समझ जाए कि यह एक अट्रैक्शन है जो ज़्यादातर महिला या पुरुष दोनों को हो सकता है। महिलाओं को भी एक समय बाद पड़ोसी महिला के पति को देखकर लगता है कि उसका पति उसको स्वर्ग जैसा जिंदगी दे रहा है, मेरी जिंदगी तो नरक है। ये सब ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, बाकी सब की जिंदगी ज़्यादातर सामान्य ही होती है। अगर खुश रहना है तो जो अपने पास है उसी में खुश रहना सीखे, तभी जिंदगी आसान होती है, नहीं तो पूरी जिंदगी परेशानी में गुजरेगी। ना घर के रहेंगे ना घाट के, जो आपके पास है वो किसी और को पसंद है, और जो किसी और के पास है वह आपको पसंद है। सबकी यही कहानी है। जिसको जितनी आज़ादी, जितना समय, उतना उसका लाभ उठाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और स्टार देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।